हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं इनरोल्ड एजेंट 2021 में आप इसको किस तरीके से पास कर सकते हैं, और अगर एक स्टूडेंट जो कि इनरोल्ड एजेंट को परस्यू करने की सोच रहा है तो सबसे पहले आपको पूरा करिकुलम के बारे में नॉलेज चाहिए कि इसकी क्या फीस होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका सिलेबस है और कितने टाइम में हो सकता है, सर इसकी वैल्यू कितनी, ये सारी बातों का जो आंसर है इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं देने जा रहा हूँ। तो गाइज, आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारा नॉलेज मिल सके। और गाइज, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन। इस चैनल के थ्रू हम बहुत सारे लाइव लेक्चर्स को भी पोस्ट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ CPA, USCMA, डिप्लोमा इन IFRS और इनरोल्ड एजेंट ऑल्सो। तो चलिए गाइस, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने ग्लैम का एक ब्रोशर खोला है। ग्लैम इज द लार्जेस्ट रिव्यू प्रोवाइडर ऑफ द इनरोल्ड एजेंट इन द इंटायर वर्ल्ड। अगर मैं ग्लैम के बारे में भी बात करूँ तो देखिए, ग्लैम एक ऐसा अप्रूव्ड स्टडी कंटेंट, जो IRS के द्वारा अप्रूव्ड स्टडी कंटेंट, मतलब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे वो ग्लैम। तो अगर आप ग्लैम के स्टडी मटेरियल को प्रेफर करते हैं तो आपका इनरोल्ड एजेंट पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप हमारे ग्लैम रिव्यू के थ्रू क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम अब इसके करिकुलम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले इनरोल्ड एजेंट जो है IRS के द्वारा इंटरनल रिव्यू सर्विस, US का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो इस लाइसेंस को प्रोवाइड करता है। इट इज नॉट एन ए डिग्री कोर्स, इट इज नॉट एन ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये एक लाइसेंस है। इट्स अ हाईएस्ट क्रेडेंशियल स्टेटस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वंस यू डन विद द इनरोल्ड एजेंट, आप एज ए टैक्स प्रिपेयरर्स, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर क्या कर सकते हैं, US में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नॉट ओनली इन USA, एंटायर वर्ल्ड में आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारी US बेस्ड कंपनीज जो हैं इनरोल्ड एजेंट को क्या कर रही हैं, हायर कर रही हैं। और देखिए, जो US की जो इकॉनमी है ना गाइस, वो वर्ल्ड की 1/3 से भी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट को होल्ड करती है। अराउंड 4 करोड़ के आसपास ऐसे इंडियंस हैं जो US में रहते हैं H1 वीज़ा पे, कुछ ग्रीन कार्ड पे। तो दे नीड प्रोफेशनल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में देखिए हर पर्सन अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है। सो अगर आपके पास US के टैक्सेशन का अच्छा नॉलेज होगा तो आपके करियर के प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे होंगे, आप फ्रीलैंसिंग बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। और एक सिंपल BCom ग्रेजुएट स्टूडेंट है, MCom है, या LLB किया है, कंपनी सेक्रेटरी है, CA इंटर, और आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो इनरोल्ड एजेंट इज अ राइट चॉइस, क्योंकि ये आपको करियर में काफी अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस दे सकता है। और गाइस, इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 to 5 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। और दूसरी बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, आपको कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होती है। और MCQ को अगर आप एक अच्छे लेवल का टेक्निकल नॉलेज लगा सकते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए पास करना कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं लगता गाइस, आप इन्वेस्टमेंट को भी देखिए, रिटर्न को भी देखिए, स्टार्टिंग सैलरी देखिए। सैलरी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर एज ए फ्रेशर में बात करूँ, 40 to 50,000 है, जो एक MBA स्टूडेंट को भी नहीं मिलती। तो विद इन, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और विद इन 4 to 5 मंथ की स्टडी करके लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अगर आप एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन को होल्ड करना चाहते हैं, आप Big 4 में काम करना चाहते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। चलिए, तो हम अब इसके स्ट्रक्चर को धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेप्स को समझें कि इसमें स्टेप क्या होती। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप है कि आपको PTIN नंबर लेना होता है। उसके बाद आप PTIN नंबर, उसकी क्या कॉस्ट आती है, वो किस तरीके से लेते हैं, उसके लिए एक अलग से सेपरेट है। तो आपको एक PTIN नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, बहुत आसान सी प्रोसेस है, वेबसाइट पे जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, वेरी इजीली ले सकते हैं। उसकी क्या फीस होती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके बाद इसके 3 मॉड्यूल्स होते हैं, आपको 3 पेपर्स को क्लियर करना होगा, 3 पेपर्स आपको पास करने होते हैं। जैसे
पहला पार्ट है इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंडिविजुअल के जो भी टैक्सेशन हैं, जो भी उसके नाम्स नॉर्म्स हैं उसको इसमें कवर किया जाता है। पार्ट टू बिजनेस का है, और पार्ट थ्री जो है वो है रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। सो केवल तीन पार्ट है, तीन पेपर हैं, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ इसका। सो तीन पार्ट हैं, 3.5 घंटे की एग्ज़ाम होती है, और 100 MCQs इसमें क्या हैं कवर होते हैं। तो 100 MCQs आपको, और सर पासिंग परसेंटेज क्या होता है, तो गाइज यहाँ पर आपको 70% स्कोर करना होगा, मतलब आपकी जो पासिंग है वो 70% है, और इसका रिजल्ट के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं, इमीजिएटली आपका रिजल्ट आता है। तो ये आपका, मैंने पहले कंटेंट ओपन किया कि आपको देखिए कंटेंट पता होना चाहिए कि क्या क्या आपका कंटेंट है। सो 100 क्वेश्चन इंक्लूडिंग 15 एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं जिसकी मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए केवल 6 सेक्शन है पहले पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप एक पार्ट को क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे दे सकते हैं। तो सोचिए गाइस केवल 6 टॉपिक, 1, 2, 3, 6 टॉपिक में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो पहला पार्ट आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल, जिसमें आपको प्रिलिमरी वर्क ऑफ टैक्स पेयर है कि टैक्स पेयर की जो रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए जो स्टार्टिंग के क्या क्या काम होते हैं, उसके बाद इनकम एंड एसेट्स के बारे में, डिडक्शन एंड क्रेडिट्स क्या मिलती है, टैक्सेशन, और एडवाइजिंग द इंडिविजुअल टैक्स पेयर, और स्पेशलाइज रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर। तो केवल 6 यूनिट फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है, सेक्शन है। उसके बाद हम बात करें पार्ट टू, अगर बिजनेस का देखें तो वहाँ पे 3 हैं और यहाँ पर 4 सेक्शंस हैं। तो फाइलिंग प्रोसेस है, स्पेशल एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको वेरी शॉर्ट पीरियड में इनरोल्ड एजेंट को आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 4 टू 5 मंथ में आप इसकी पूरी प्रिपरेशन कीजिए, और हमारा कॉन्सेप्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको देते हैं, ग्लैम के सारे MCQs हम आपको क्लास में कवर कराएंगे। तो देखिए आपका पास होना बहुत आसान है इसमें, और इसका रिजल्ट गाइज अगर हम देखें, जो पासिंग परसेंटेज देखें, तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर जो बिल्कुल लेटेस्ट दिखें, तो पार्ट थ्री में 81% रिजल्ट है, पार्ट टू में 71% रिजल्ट, और पार्ट वन में 61% रिजल्ट है। तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी देखिए अगर किसी एग्ज़ाम में परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कंसिस्टेंटली 60% के ऊपर, और इसमें तो देखिए 86% और इसमें 70 है, मतलब फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के लीजिए क्योंकि नया होता है, उसके बाद सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो कितना आसान है। तो गाइस सोचिए जिस एग्जाम की ऑन एन एवरेज पासिंग परसेंटेज जो बच्चे पास कर रहे हैं वो 75% है, तो उसको पास करना भी आसान है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप केवल एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम का भी इतना रोल नहीं है, और हमारे इंस्टीट्यूट तो है सेपरेट क्लासेस लेता है इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, और दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो उनके लिए हम अपनी ओन लैंग्वेज में भी क्लासेस को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा, एग्जाम की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है, पासिंग परसेंटेज। अब एक्सपेंडिचर, तो देखिए जो एग्जाम की पर पार्ट की जो फीस होगी वो $185, तो एक $185 एक पार्ट की, तो 3 पार्ट की हो गई आपकी 185 × 3 कर लीजिए मल्टीप्लाई 75, और आपको जब प्रैक्टिस के पहले एक इनरोल कराना होता है, इनरोलमेंट टू प्रैक्टिस बिफोर IRS एप्लीकेशन फीस $67 लगती है, और देखिए जो प्रिपेयरर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको लेना होता है उसकी $35। तो ये तो स्टेचुचरी फीस हो गई। उसके अलावा अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाता है, लाइव लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं आपके बेसिक, क्योंकि देखिए टैक्सेशन को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल्स क्लासेस हम लेते हैं बेसिक्स, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे होती है, पूरा रिटर्न 1040 फॉर्म, तो ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी भी 7 to 8 क्लासेस हमारे कंडक्ट की जाती है, वो हम आपकी पूरी ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट आपको लाइव क्लासेस देगा, उसके साथ हमारे कुछ वीडियो रिकॉर्डेड्स होते हैं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बाद आपको सारी बुक्स दी जाती हैं, तो लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और IRS की वेबसाइट से, और पूरा कोर्स होने के बाद आपको प्लेसमेंट में भी हमारा इंस्टीट्यूट क्या है हेल्प करता है। तो गाइज इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में आप इसको कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस है, साइनिंग अप फॉर दी ई एग्जाम, ऑप्टेन और रिन्यू योर प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है 2587 फॉर्म प्रोमेट्रिक सेंटर्स के लिए, और आपकी अपनी क्या कर सकते हैं आप एग्ज़ाम को बुक कर सकते हैं। तो गाइज इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, US के टैक्सेशन को आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो गाइज लिटरली इससे बढ़िया कोर्स आपके लिए
नहीं होगा। और अगर देखिए स्टडी टाइम को भी देखें तो पार्ट वन के लिए 90 आवर्स बोले, 120 आवर्स और 50, मतलब 4 से 5 महीने की स्टडी में एक लाइसेंस आपको मिल रहा है इनरोल्ड एजेंट का। उसके बाद गाइज स्टार्टिंग सैलरी 40 to 50,000 बोली, और अगर आप सोचिए 3-4 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाता तो आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी और एक मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको क्या है प्लेसमेंट मिल सकता है। तो गाइज अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस इनरोल एजेंट की ज्वाइन करना चाहते हैं, और देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, तो और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको केवल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना हो, तो देखिए गाइज ऐसी एग्जाम को पास करना कंपेरेटिवली क्या होता है, आसान होता है। तो ग्लैम एक बहुत अच्छा रिव्यू प्रोवाइडर्स जिसके कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक शॉर्ट पीरियड में इनरोल्ड एजेंट को पास करना चाहते हैं तो इट्स अ राइट चॉइस। देखिए एमसीक्यू का भी पैटर्न बताया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उसका कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। तो हमारा इंस्टीट्यूट आपको पूरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस इसकी प्रोवाइड करता है, उसके बाद पूरी ट्रेनिंग पार्ट, उसके बाद आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड असिस्टेंस। सो हर लेवल पर हमारा इंस्टीट्यूट आपको क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। सो गाइस एक छोटी सी जानकारी थी इनरोल्ड एजेंट की कि 3 पेपर को पास करके विद इन 4 to 5 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने करियर को काफ़ी अच्छे लेवल पर। पेंडेमिक चल रहा है गाइस, तो वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए यूएस की जो पॉपुलेशन है वो उसमें इंडियन, अगर हम देखें इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 4 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपको सर्व करने का मौका मिल रहा है। वर्ल्ड की इकॉनमी का 1/3 पोर्शन यूएस के द्वारा होल्ड किया जाता है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। कई स्टूडेंट बीकॉम के बाद एमबीए कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग से, और फिर अपने 1-2 लाख रुपए वेस्ट करने के बाद भी जॉब नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटीज है और वो बिग फोर में, यूएस बेस्ड कंपनीज में और सीपीए फॉर्म्स में भी आपको क्या है जॉब मिल सकती है। यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, और उसके बाद अगर आप किसी अच्छी फॉर्म में एसोसिएट होते तो आपको H1 वीज़ा पर प्रमोट करके यूएस जाने का भी मौका मिल सकता है। इसके बाद आगे और वीडियोस मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको किस तरीके से आप इंटरनेशनली अपने करियर को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं इनरोल्ड एजेंट को करके। तो गाइज अगर आप इनरोल्ड एजेंट को करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हमारे इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट कीजिए। आपका एक लाइव ऑनलाइन डेमो, हम पर्सनल काउंसलिंग भी एक ऑर्गेनाइज कराते हैं, एक डेमो सेशन भी आपको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और इफ़ यू फील कंफर्टेबल तब आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। आपको हमारी ओन लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा, पूरा अपडेटेड स्टडी मटेरियल हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू गाइस।